ਕਾਲ ਕਾ ਬਰਤੋ ਹੀ ਜਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਬਰਤੋ ਜਿੱਤਾ ਕਣ ਭਾਈ ਜੀ ਲੋਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰਾਤ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਰਾਤ ਨਾ ਚੱਕੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ ਚਾਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਸਾਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਰਾ ਲਕਮ ਰਹਿ 24 ਘੰਟਾ ਇਹ ਕੋਨ ਵੀ ਵਿਦਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕਠਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਅਠਾਈ ਹੂੰ ਬੋਲੇ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੜੀ ਆਇਓ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ हाँ विधायक जी आप चाल के जावे भी तेरे दुख तकलीफ बता था रहा मैं के चीज की समस्या है के और है सारी मांगा पूरी करे बदल गया फिर बदला कोई नहीं है, है? पक्को लोबरी लकीर है आम आदमी रहना रहे आम आदमी है जमींदार आदमी है बढ़िया है माहौल भाई तकड़ो है के पूछे मैं तो मौलवी रड़क काट रखे है कितो के 20,000 जीता है हाँ मुकाबलो है टक्कर मुकाबलो की कोनी है वो नहीं अब भोंक तो फिर है भोंक तो फिर है क्या मैं मुख्यमंत्री हूँ मैं क्या है ले ले भाई मुख्यमंत्री में क्यों रखा तने कोई दे तो नहीं भर्तिंग में माहौल बनाने को क्या कारण है ये मैं एक तो सुधा पण एक काम हो करूँ हैं बिन कामों का आँख खड़े ही हूँ बात इतनी बताओ ये मैं उन्हें तो सारा यहाँ भी बताऊंगा माहौल के कोई झूठे थोड़ी है सच तो ये आ तो मैंने पहले भी भरत सिंह ने बढ़िया बताओगा लेकिन बढ़िया क्यों है बरचिंगो एक तो कारण ये है कि मारा लक्का का माँ कोई छोरी करे कोई रणजी जी फैसलो कराइए वहाँ तो कुकरी कराओ एक न्यू कोने का उड़ा जा मैं आऊँगा ये कई कारण है एक आधी रात चले जाओ आयो का छुट्टी उठ गया जो कोई काम है तो ये कारण है शुद्ध बनवा बढ़िया माहौल है भैया देख लियो माहौल तो एंट्री दोबारा लगाई भाई बोर साइड का माँ जगह कम रहेगी बढ़िया माहौल है एक नंबर क्यों कारण क्या है कारण भैया काम हवा यार ये बांक ने कोई फोन करे जब बात कौन करे ना फोन चुका है ना कोई और है ये बैंड वोट दिया फायदा तो है कोई नया सरकार बननी ये भी आएगी न्यू है सरकार बनेगी आगे जावा किन किन काम तो होगा और लगता है माँ नहीं हल्को खत्म हो जाओ भाई साहब माहौल मान तो एक तरफ ही लग गया भरत सिंह तो अरे कहूँ यो सुख है भी मान लो और कैंडिडेट है नहीं बहु पहला मिलो फिर बड़ा बॉडीगार्ड मिलो फिर कह साहब को मूड खराब है एक ने तो कदी जाओ रात ने जाओ दिन ने जाओ आधी रात ने तैयार है मैं तो आप गेड हूँ एक ने और न्यू कौन पूछे भी तू कहो कैंडिडेट है कहो और है चबेगा साहब हूँ ये भी छोड़ गए आनम फायदो है कोई और रह रहे आप तो शुरू हुआ कांग्रेसी यहाँ और मैं तो अभी काम गए तो कदी भी मान लो न्यू कौन कहो भी तेरे पिताजी ने बुला और ने बुला एक दो छोरा ले गए कोई दूसरे काम का जानते ही बोलो चाल बेटा चढ़ गाड़ी में तेरे कने मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल पर चाल है नहीं मेरी गाड़ी में चाल है एंगो यो सुखा एंगो आधी रात ने बात को भी ना आगे चला और चलांगा कुर्तियों पहरे चाल है अच्छी लगा भाई जी अच्छा माहौल है भरत सिंह चुनाव अच्छा अच्छा बड़ी आदमी हर सुख दुख को सत्ती है माहौल अच्छा लगा मैं शुरू कांग्रेसी हूँ पर आलवड़े माहौल दिखा भी कांग्रेस हरियाणा में अगर ना बदल कम हाँ जी बहुत अच्छा माहौल है भरत सिंह बेनीवाल जी का यहाँ से भी जीते हैं और पंजाबी बेल्ट से आगे भी जीते हैं इस बार उससे और उससे भी ज़्यादा लीड ले गए पंजाबी बेल्ट से मैं पंजाबी बेल्ट से हूँ एलनाबाद एरिया से वहाँ से आगे 10,000 की लीड लेते हैं इस बार 15,000 की लीड लेके वहाँ से हाँ जी कारण वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है जैसे विधायक हैं जो मौके के विधायक हैं वो ना तो कभी जा किसी के जाते हैं ना कोई काम आते हैं ना किसी का काम हुआ है वैसे के वैसे लोग बैठे हैं 5 साल बाद जाते हैं इलेक्शन के टाइम आगे पीछे ना दुख सुख में जाते हैं ना किसी से पूछने जाते हैं अभी पानी है पानी पीने की समस्या है किसी को कोई भी हल नहीं करे इसीलिए भरत सिंह बेनीवाल के साथ जुड़े हैं लोग और भी जुड़ रहे हैं इनेलो छोड़कर बहुत से हैं जो जीतेंगे जी ठीक बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया एक तरफा माहौल है जी अच्छा खुल के माहौल है एकदम एक तरफा माहौल कारण क्या है एक तरफा का कारण तो हर गांव में आज 20 साल हो गया 20 साल में हमारे गांव में किसी शहर में कोई काम नहीं हुआ कारण ये सबसे बड़ा हो रहे यहाँ देख लो थे पंडाल में ही किशोक है हर लोग दाप गए अच्छा चार प्लान होगी लगातार 20 साल एमएलए बन गए हो
कोई काम धंधो करियो ही को नहीं तो लोग क्या करेंगे के धोखे फिर क्या उम्मीद है केवरो यो काम करेगी लोगों का ओ नहीं करा उधर दे उनके खीर खाइए कोई और सही अच्छा मारो तो पक्को समान दे कहीं और को नहीं तो अपन कह के इसका मान के है बरसिंग हुआ तो बढ़िया है बढ़िया हाँ कम जोड़ा तो हाँ तो मैं न्यू जोड़ा भी विधायक बन जाओ बिकड़ा है नहीं पर इनको कारण क्या है क्यों बने को विधायक पीछे तो कौन बने वो देख लियो बने तो क्या नहीं कारण क्या लगा था ना मन तो ठीक लगा है अच्छा कमरा कोड़ा कर दे अच्छा करे खूब करो उम्मीद पूरी है अच्छा है उम्मीद पूरी है माहौल भरत सिंह है बढ़िया माहौल है अच्छा और अब की बार अच्छा वोटा जीत के निकटा वो मेरा गांव मैना खेड़ा मुँह कदी कांग्रेस कौन जीती अब की बार 450-400 वोटों प्लस जीत के निकलेगी और मेरे गाँव में चुटा लड़ा कदी एक ईंट भी कौन लगवाई जिंदगी के अंदर हमारा गाँव में वाटर वर्क से सन 2007 में बने हो हमारा गाँव में चुटा लगन मांग करी गाँव का स्थान में अंदर मुख्यमंत्री हो बोले मैं ना खेड़ा कुत्ता बड़ी की रोड बना दियो आ यहाँ कहो कहीं काला कछड़ा आ जा कह कुत्ता बड़ू गाँव में शमशान भूमि की चार दीवारी की मांग कर रखी गाँव का बोले होगा थारा मरेड़ा पुठा वह गए ठीक है ये हमारा गाँव में आगे खुद की घटना घटी तो एडी है ठीक है आ हमारा गाँव में मतलब कोई काम कौन करो हमारे गाँव की गली जगह चुटा लड़ा जगह वर्कर है नहीं भाई गलियाँ भरत सिंह ही बनवाएडी है हमारा गाँव का जब चुटा लगा खासम खास वर्कर है नहीं बंगा घर की गलियाँ नहीं भरत सिंह ही बनवाएडी है और अब की बार वो पार्टियों साफ है चुटा लड़ा ए घर घर गए लड़े अफसरी की माँ और कि नहीं मौको ही कौन देवे और अभय सिंह कह क्या मैं अभय सिंह उपचुनाव में जीत्यो अन अस्तित्व दियो क्या मैं किसान के खातर अस्तित्व दिया किसान गए वो कोई अस्तित्व कौन दियो और आपकी राजनीति चमकाने खातर अस्तित्व दियो ठीक है अस्तित्व राजनीति की चमकी राजनीति चमकानी ग्राम पूछ तो फिर मैं अस्तित्व दे दूंगे दे अस्तित्व दे बने हो गए विधायक तो और गणा वहाँ कौन दियो दूसरा चुनाव है अभी तो पीसो गांव में लगा दिया आई तो कहानी है ना भी और कौन दियो आनी दियो अन अस्तित्व दियो भी मैं आए कुकरी एक सीटड़ी बच जा रब गड़ा ही कौन बचा भाई अस्तित्व देना मतलब के अस्तित्व और कौन दियो अस्तित्व हम जितो पीसो लागे हो चुनाव हो रहा बीता पीसा गांव में बांट दिया राज्य में जुड़ती को नहीं वोट मांगने की लोग आप भी वोट दे बार खुल गए वोट दे बार वो जो को चुनाव अंदर पीसो बर्बाद करो गांव में कहीं 5 रुपया कौन दिया कदी उन्हें हकीकत बात है गांव के अंदर कभी 5 रुपया ही कौन दे रहा इतना साल हो गया मैं तो कहूँ 60 साल को पाप है अपना काट दिया ठीक है बढ़िया है एक तो बढ़िया है माली बढ़िया है बढ़ता है माहौल है भैया बढ़िया माहौल रहे वो चुटल लड़ा तो बीजेपी में रलने रलने ये वास्ते गेंद पाट की गोका धोखना ही पड़ेगा समझ गयो ये बात ये चुटल लड़ो तो जाओ बीजेपी में जदि एक वास्ते भरत सिंह लहर आपी होगी बीजेपी ने यही कौन सा वे चुटल लड़ा तो इतना साल हो गया कभी इलाहाबाद में ईंट कौन लगाई डी जबटी का जीता कटुआ है आगे कह दिया मैं वो करूँगा हमारे खारो पानी है ईंट कौन लगाई तो इतना साल कुकर जीतता रहे है जी ईंट में लगे जीते तो जीतते तो दो दबदबा जीते है बिया कौन जीत के दबदबा अब किने गए तो अभी भी तो अब फैल हो गयो अब समझ गया अब सारा समझ गया भी अब दबदबा फैल हो गयो अब क्यों बीजेपी में जानू है गठबंधन तो मायावती से कर रखे है डोको घटी फसा रखे है गोपाल कांडो समर्थन देगा नोट देगा जीतने जीतते को तो बाकी जीतने का चांस कोनी भरसिंह जीतो बढ़िया बताओ कारण क्या भरसिंह जीतने का आदि बढ़िया काम बढ़िया करवाओ आखन जावा नहीं इन लग रहा है पढ़ू आयो कि आयो गल पड़े है भाई करो करो बाका बढ़िया आदमी है बर्तन वाला आदमी है सहायता करनी पड़ी भी अब कड़े को नहीं फर्क पड़ेगा हां ना भी कोई फर्क कौन पड़ेगा क्यों इस्तीफा तो देड़ो ही है फिर वो भी इस्तीफा दियो वो भी काम हो गयो मिन जिता दियो अरे अब कड़े को नहीं तो भरत सिंह ने जिता को क्या कारण है हम सरकार आवे कांग्रेस की अच्छा भैया दशा मन शीमा हम बने को ठीक
भरत सिंह जीते हो कितना वोट जीते हो 10,000 वोट मुकाबलो तो है कसो तो फस रहे ना जी क्या हो मुकाबलो कोई नहीं कत्ता ही मुकाबलो है कोई मुकाबलो जीतने का कारण क्या है भरत सिंह क्यों जीते हैं दमंग आदमी है बढ़िया आदमी अगले हर एक काम आवे गरीब गए अभी सब के काम भरत सिंह को क्या माहौल है भरत सिंह को देख लो जी आप भरत सिंह अच्छी लीड दे है भरत सिंह तो आ हो रही है लगातार जीता है करा अब की बार है नहीं 45 सारा भी बढ़े काटेगा मारी रहने वाला साइड की टक्कर हो रही है किशो फालतू काट है आ हो रही है तो कारण क्या है ये टक्कर को कारण देखियो को नहीं मेरे गम जमा लू जानता 10-20 काम के खतरा बे सिंह ने जानता जाए बोलो लीज चक ले हो नंदलाल सरपंच हो बाबड़ो लेके गए हो किंका असंज काम को खतरे 100-200 बंदा बिन बोलो गांव की लीज चक ले हो इन करके माहौल बन रहा है हमारा बढ़िया क्योंकि बंदे बरसिंह ने तो आप हाथ पकड़ के और की केस का आगो हाथ पकड़ के देख लियो बाट दे ये तो मोड़ा जाके टिके है देख लियो वो मार ले गांव में वो नाली और लियो जद गांव जान लाग रियो जद करके की माड़ो मोटो मीनू हो जद की काम डो हो गयो वरना वो कभी माई को लाल करियो को नहीं काम बहुत बढ़िया है जी बढ़िया आपके चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार और जो आप बिल्लू की बात करते हो ना विकास कहाँ है 30 साल से लोग यहाँ 75 साल में 15 बार चुनाव हुए हैं 11 बार ये लोग जीते हैं आज लड़कियाँ कहाँ जाती है चारावाड़ा से लड़की कहाँ जाएगी पढ़ने कॉलेज है काम क्या की है जिस आदमी के लिए कल कहते हैं ये चिट्टे का व्यापारी था आज साथी है भेड़ों को किसानों को काली भेड़ कहते हैं वो इनके साथ है बीजेपी ने क्या नहीं किया मास्टरों को पीटा किसानों को पीटा महिलाओं को पीटा आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा क्या विकास क्या किया है और ये वादा करता है बिल्लू विकास करेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अरे तेरे एक सीट के तो लल्ले हैं कहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा 15,000 की लीड है भरत सिंह बेनीवाल जीतेंगे और बिल्लू मापदंड जो अपना रहने कुछ नहीं होगा जनता इनके साथ है जनता जनार्दन है भाई जी माहौल तो छन नहीं है कि आज के युग में एलना बादल के माँ राजस्थान की बॉर्डर के सारे सारे माँ डाणिया में आज तक लाइट ही कौन पर ये विधायक को कह रहा है आज तक है जमाल गांव में परंपरा रोड पर 15 रानी है पहले तो गांव में ग्रुप में गैर दी बोले सड़क मुड़वा दी अभय सिंह सड़क मुड़वा दी पीडब्ल्यू डी कन गया बोले बजट ही कौन का विधायक को टाइम 25 करोड़ रुपया आया वह और सड़क मुड़वा दी एक तो परंपरा रोड को बहुत बुरा हाल है एक जमाल की 50-60 डाणी है हम तुरता लाइट को नहीं घुसाइने का मैं लाइट को नहीं खेड़ी का मैं डाणिया में लाइट को नहीं आज तक आज गई हूँ मैं लाइट ही ना है फिर केक रहा आन यान जितान ला रहा अब बिल्कुल के माहौल है क्यों माहौल माहौल के छानी थोड़ी देख रहे माहौल तो थे देख लियो पंडाल में जगह ही को नहीं जनता जगह ही को नहीं मस्की को नहीं एक तरफा हो गया माहौल इलेक्शन एक तरफा ही हो गया भरत सिंह बेनीवाल है एक तरफा जीत ला रहे कारण के मान लो एक तरफा कारण तो फिर आने आने जीता हुआ भरत सिंह सीधो साधो आदमी है एन कदी आधी रात जाए काम करवा दो मैं अभय सिंह कर जाऊंगा तो कह तो काम गए सरपंच ले जाओ कह कोई मौजूद आदमी ले जाओ एक ना आधी रात जाए काम करवा ले विधायक जीता हुआ भरत सिंह हाँ पक्को पूरा विधायक है वो पूरा बटा दे सो एन दाप रहे नाक ना कर अभय सिंह नाक ना कर जावा मिलने का मूड खराब है क्या सब को मूड खराब है मूड लेके बैठिए टप्पो ले बैठे बांध दो इनोला रांध दो इनका विधायक जीता हुआ माहौल एक नंबर का भाई साहब एक बार भरत सिंह बेनीवाल की इसी आंधी आवे की जब उड़ गया हरा झंडा मुख्यमंत्री बनता ही रह गया वो सपनो आगो सपनो ही रह गयो इब जागे बढ़ो कि नहीं नाक है दुकान खोलो आपकी जागेर सरसा फतेहबाज ने दो तो लूट लूट के खा गया है दो जिला भट्टो यहाँ बैठा है हरे झंडा रहा और इब 10 साल में बीजेपी करती हो बेड़ो कर के तो इब हम सारों दाप गए कांग्रेस की सरकार बन लग रही है सारा किसान मजदूर सारा सारा कांग्रेस के जीती है और पूरे एलनाबाद में तो भाई जी हरे झंडो नामो निशान मिट गए एलनाबाद में हमारे गांव जोगीवाड़ा में +2 तक स्कूल किया है हर डाणिया में जो पाइपा पानी का साधन किया है भरत सिंह ने
वास्तव मारे 5 किलोमीटर गांव चारवाड़ा में लड़की आती, कितनी साइकिल दिक्कत आती मारे, मारे प्लस टू का स्कूल बरसिंह ने बनीवाड़ ने किया है, जो और नेता आके मेन कैंडिडेट के नंबर होता है, बरसिंह हर बच्चे के नंबर है, कोई चक्कर को नहीं, आपका पर्सनल है, कॉल करो हाजिर रहेगा। एक नंबर विधायक हमारे लिए कांग्रेस सरकार से अलावा कोई गरीबों का कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, बिल्कुल ये सच्चाई है।